अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात कर रहे हैं एक रेयर कॉइन के बारे में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के विलियम कॉइन के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कॉइन एक रेयर कॉइन कहलाता है, रेयर कॉइन्स में शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में इंटर हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों पर से मुगल बादशाहों का नाम हटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि ये फैसला भी हो चुका था कि बहादुर शाह जफर के बाद उसकी औलाद में से किसी को भी बादशाह तस्लीम नहीं किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने उरूज पर आने के बाद 1601 में ही पहला सिक्का जारी कर दिया था। विलियम कॉइंस जो कि रेयर कॉइंस में शामिल होते हैं, इनकी एज रीडर होती है। इनके मिंट्स को कोलकाता मुंबई मिंट्स में ढाला जाता है। 1835 में फर्स्ट टाइम ये रिलीज हुए। 1835 में ये कॉइंस फर्स्ट टाइम रिलीज किए गए। ये मशीन से बनने वाले कॉइंस हैं। यूनिफॉर्म कॉइन सिस्टम के तहत इस पर किंग विलियम का पोर्ट्रेट मौजूद है। 1835 एक फ्रोजन ईयर था, मतलब ये कि 1835 के बनने वाले कॉइंस 1836 में बने या 37 में, लिखा उन पर 1835 ही जाएगा। इनके मिंट को शो करने के लिए इन पर सिंबल्स या लेटर्स लिखे जाते थे। ये लेटर्स मास्टर्स के नाम के साथ इनिशियल होते थे जिन्होंने ये कॉइन डिज़ाइन किए थे, जैसे कि कोलकाता में R.S. रॉबर्ट एस को जाहिर करता है और कोलकाता मिंट में ही F. विलियम N. को जाहिर करता है। कोलकाता मिंट में चार लेटर्स शामिल हैं। R.S. काफ़ी रेयर मिंट पाया जाता है और उसके बाद F. डॉट भी काफ़ी रेयर मौजूद होता है। F. डॉट को F. रेज्ड भी कहा जाता है। जिनमें कोई भी लेटर शामिल ना हो वो मुंबई मिंट कहलाता है। तमाम कोलकाता मिंट काफ़ी वैल्यूएबल मौजूद हैं। 1840 का विलियम कॉइन रेयरेस्ट कॉइन माना जाता है, क्योंकि फ्रोजन ईयर का हिस्सा नहीं है। एक थ्योरी के तहत 1837 में जब विलियम की डेथ हो गई तो विक्टोरिया के कॉइन बनने लगे। गलती की वजह से कॉइन के रिवर्स हिस्से में विक्टोरिया की जगह विलियम की रिवर्स साइज छप गई और ये रेयरेस्ट कॉइन बन गया। लेकिन थ्योरी का ये पार्ट बिल्कुल गलत था। उसकी वजह यह है कि विक्टोरिया और विलियम के कॉइन के डायामीटर में बहुत ज़्यादा फर्क है। विक्टोरिया के कॉइन विलियम के कॉइन से बड़ा है और उसका रिवर्स साइड छप जाना इम्पॉसिबल है। दूसरी थ्योरी के तहत विलियम के बाद विक्टोरिया कॉइन बनने में बहुत टाइम लगा। इस जल्दबाजी में विलियम के 1835 में से 35 को रिमूव करके 40 पंच कर दिया गया। थ्योरी के तहत 1840 के 40 हिस्से में आज भी 35 के कुछ निशानात पाए जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन 1840 एक रेयरेस्ट कॉइन माना जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉइन के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।